हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीवीपी पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी समय से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मुझे इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसकी डेट्स के बारे में ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ कि लास्ट डेट्स जो थी वो अब एक्सटेंड हो गई थी, तो वो मैं आपको अब एक अपडेट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है बीवीपी के लिए और वो यहाँ पर एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट एंड आपका क्या इसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड लास्ट ईयर्स में रहा है, तो ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को सभी बच्चे पूरा प्रॉपरली एंड तक देखने वाले हैं, आई होप। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा बीच में कहीं पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो ये आपका 1964 का एस्टैब्लिश्ड आपका ये कॉलेज है, और एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1964, 57 ईयर ओल्ड पुराना आपका ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। NIRF रैंकिंग इसकी 96 इसकी NIRF रैंकिंग है, ठीक है। तो कैंपसेस काफ़ी सारे हैं, रैंकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है 96, और ये आपका काफ़ी पुराना प्राइवेट कॉलेज भी है। आपका बीटेक के लिए आपके पास जो प्रोसेस रहता है एंट्री लेने का, वो है आपका सेट का एग्ज़ाम एंड देन आपका जेई मेन्स और MST सेट, आप इनके ज़रिए आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। MBBS के लिए आपका नीट का स्कोर मान्य होगा, BR के लिए नाटा का स्कोर मान होगा, MTech के लिए गेट का स्कोर मान होगा। तो काफी सारे आपके जो कोर्सेज हैं आप इसमें इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं बाय योर एंट्रेंस टेस्ट्स। स्टूडेंट्स जो स्ट्रैटेजी बेस्ड या फिर आपका किसी भी काउंसलिंग बेस्ड कोई भी ऐसा टॉपिक रहता है रिलेटेबल, तो आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं और मुझसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसा कि आप काफी समय से जानते हैं कि मैं आपको लाइव अवेलेबल रहती हूँ 6 PM एवरी वीक। आपको एक बार ज़रूर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करती हूँ और आपके सारे डाउट्स को मैं आंसर आउट करने की कोशिश करती हूँ। क्लास में मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ आपकी काउंसलिंग रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड, कॉलेजेस के डाउट्स आपके जितने रहते हैं। सो स्टूडेंट्स आप मुझसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल को साइनअप कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। IIT JEE का अनअकैडमी की तरफ से सुपर 30 टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एवरी डे 6 PM आपका ये अनअकैडमी का सुपर 30 टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहता है और आप इसको ज्वाइन फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आप दे सकते हैं। Menta10 कोड को यूज़ करते हुए आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और आप ये टेस्ट दे सकते हैं डेली 6 PM। सो स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं एक बार भी दे पाए तो प्लीज़ आप दीजिए। आपको क्या करना होगा, 50,000 रुपीज़ का आपको एवरी वीक प्राइज जीतने का मौका भी मिल रहा है, इसलिए एक बार तो देना भाई बनता है सभी बच्चों का। एंड आपको अपनी ऑल इंडिया लेवल पे लाइव रैंक भी आपको एक अनुमानित आपको मिल जाएगी कि आपकी क्या रैंक आने वाली है इस टेस्ट के ज़रिए। एंड आपका साथ ही साथ जो आपको डिटेल्ड रिपोर्ट है वो भी आपको मिलेगी। एंड इसमें जो लकी विनर्स आपके रहे अर्शद, अदिति, अलीशा, विवेक, आकांक्षा, आप भी इसमें हो सकते हैं लकी विनर अगर आप इसमें टेस्ट देते हैं। तो प्लीज़ आप इसमें मेहनत कीजिए, एक बार ज़रूर दीजिए, एनरोल कर सकते हैं। और आपको इसमें डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपका JEE प्रिपरेशन को ट्रैक करने के लिए आपको रहता है इसमें, एंड आपका टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास बेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, स्ट्रैटेजीज यहाँ पे डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, इंटेंसिव रिवीजन फॉर JEE 2022 आपको अवेलेबल रहेगा। एवरी डे 6 PM आपका ये टेस्ट होगा और 30 मिनट्स का आपका टेस्ट रहेगा, 15 क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। हम कोर्स की बात करें तो BBA में फीस जो आपका फी स्ट्रक्चर है कॉलेज का, तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमें फ़ी स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि वहाँ की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इसको जानने के पहले ही बच्चे कॉलेज में कहीं पर एनरोल हो जाते हैं, उनको एडमिशन भी मिल जाती है और वो फीस का अपना नहीं पे व्यवस्था कर पाते हैं। तो आप पहले फीस देखिए, बीटेक वाले बच्चों के लिए सब पहले महत्वपूर्ण है कि आप फीस जाने कि 1.2 लाख आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोर्सेज की यहाँ फीस मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं, ये सारी फीस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फी के बाद हमारा आता है एलिजिबिलिटी। तो 10+2 के बेसिस, 10+2 में आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए प्लस सेट के एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके बिहाफ में आपको यहाँ पे बीटेक कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखें आपकी डेट्स क्या रहती हैं, एप्लीकेशन डेट्स। बीटेक कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो सेट का एग्ज़ाम है वो लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 20 जून आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। अभी भी आपके पास मौका है, समय है, आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। एग्ज़ाम डेट आपकी 1st and 2nd July, 10th July आपका ये एग्ज़ाम डेट है। एग्ज़ाम डेट आप देख लीजिए, ये आपको साफ साफ मैंने दिखाया हुआ, ये जितना भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है सारे कोर्सेज का, ये ऑफिशियली वेबसाइट में अवेलेबल भी है। वेबसाइट में अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप BVP यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, ये आपको शेड्यूल अवेलेबल हो जाएगा। रिजल्ट आपको 18 जुलाई को मिलने वाला है। काउंसलिंग आपकी इसकी 27 to 30 जुलाई आपकी ये
कंडक्ट होगी, ठीक है। तो ये आपका काउंसलिंग का भी शेड्यूल हो गया, एग्जाम की लास्ट डेट है एंड एग्जाम डेट आपकी ये मेंशन की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की फीस भी ऑलमोस्ट 1700 के अराउंड है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका अगर किसी और कोर्स में एडमिशन लेने का मन है तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे लास्ट डेट्स लिखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी बायोटेक अगर आपको करनी, कुछ बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि मुझे बायोटेक से ही करना है, बीएससी करना है, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी भी लास्ट डेट 20 जून है फॉर्म अप्लाई करने की, और इसका भी एग्ज़ाम आपका 1 और 2 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स के लिए भी आप एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका और भी कोर्सेज हैं जो यहाँ पे मैंने शो किए हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग, वो सब आप देख सकते हैं सारा। हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज बीटेक कोर्स की बात करें, बीटेक कोर्स वाले जितने बच्चे हैं, हाईएस्ट पैकेज ऑलमोस्ट 34 लाख के अराउंड वेबसाइट में शो किया गया है। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि कितना हाईएस्ट, कितना एवरेज, मीडियन एवरेज, ये सब जो होता है, तो वो वेबसाइट में जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, शो की गई हैं, तो उसको क्रॉस चेक करने का बस एक सीधा यही तरीका है कि जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं फोर्थ ईयर के, लास्ट ईयर के, और उससे भी लास्ट ईयर के 2-3 साल पुराने जितने भी बच्चे हैं, तो उनका हम फीडबैक ले सकते हैं। तो हमने फीडबैक लिया है, रिसर्च किया है इस चीज़ में, और ओवरऑल जो हमें पैकेज के अनुमानित चीज़ें मिली हैं, अब जैसे हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स 34 लाख का पैकेज हाईएस्ट लेके भी गए हैं, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हमें ऐसे ऑफिशियल देखने को तो नहीं मिलता है, सीधी सी बात, ठीक है। बट हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम इसका ट्रू फीडबैक ले पाए। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज वेबसाइट में तो ज्यादा लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 18 लाख के अराउंड वेबसाइट में शो कर रहा है, बट जो रिसर्च करने में पता चला है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख के अराउंड एवरेज पैकेज यहाँ पे है अवेलेबल, ठीक है। तो इतना पैकेज एवरेज हमें यहाँ पे देखने को मिला है स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एवरेज प्लेसमेंट बता दिया है एंड आपको डेट्स बता दिए, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें कोर्सेज की बात कर लेते हैं, बीटेक कोर्स में कितनी सारी ब्रांचेज हैं और उनमें सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, तो ध्यान से देखते जाएगा सभी बच्चे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं अगर आप यहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। गाइज तो बीटेक के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास 102 सीट्स हैं एंड आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी 102 सीट्स हैं। देन आपके पास बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपके पास 102 इसमें भी सीट्स हैं, मैकेनिकल के लिए भी 102 सीट्स हैं आपके पास, एंड आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स में 51 सीट्स हैं। तो ये मैं आपको रेगुलर कैटेगरी वाली सीट्स बता रही हूँ। टोटल अगर फर्स्ट ईयर की इनटेक की बात करें तो ऑलमोस्ट 120 अराउंड आपके टोटल है आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर पे। बाकी जितनी भी ब्रांचेज उसमें 60 सीट्स आपकी हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इसमें आपकी ऑलमोस्ट 60 सीट्स अवेलेबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 120 सीट्स आपकी अदर ब्रांचेस के लिए यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो अब बाकी अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर के आपके कैंडिडेट हैं, डोमेसाइल है, तो उसमें भी आपके पास रिजर्व्ड सीट्स अवेलेबल हैं सारी ब्रांचेस में। तो स्टूडेंट्स ये आपका सीट इनटेक है सारी ब्रांचेस का, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप सीट्स देख सकते हैं, इतनी सीट सफिशियंट है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करके इसमें एक सीट ले सकते हैं अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो, ठीक है। ब्रांचेस भी काफ़ी सारी हैं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई होप कि आपको ये सीट इनटेक के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे ब्रोशर में सब कुछ अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं, और इसमें फॉर्म फीस वगैरह भी सारी चीज़ें मेंशन है अगर आप इसमें फॉर्म या फिर इसमें आप देखना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, ब्रोशर में जो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, तो वो आपकी ये आपकी 10+2 के बेसिस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने और पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास या तो होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपकी एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है बीटेक कोर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आपका सीट इनटेक आपको कैसे इसमें करना है, प्रेपरेशन की बात करें, सेट का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें प्रेपरेशन का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें होगा, तो सेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें आपके पास ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। दैट मीन्स एवरी क्वेश्चन इज ऑफ +1 मार्क्स, करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो ये आपका एग्ज़ाम है में आपकी ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी एंड आपका ये 200 क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें आपके क्या रहेंगे, मैथ्स में आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स के लिए आपके पास 80 क्वेश्चंस रहेंगे एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके पास लमसम इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
थ्री आवर्स का एग्जाम है ये आपका, 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आपको ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है और आपको इसको क्रैक करना है, ठीक है। तो आप प्राइवेट में अगर जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने ही काफ़ी सारे डाउट्स ऐसे पूछे हैं पिछले लास्ट ईयर्स में भी काफ़ी ऐसे डाउट्स थे, तो बीवीपी का पूरा प्रोसीजर कैसे रहता है, कैसे आपको एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ें, क्या मुझे ये देना चाहिए एग्ज़ाम, मुझे इसमें जाना चाहिए, ऐसे बहुत डाउट्स थे मेरे पास। सो इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में इसका रिव्यू दिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और ऐसे ही मैं आपको अपडेट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग रिगार्डिंग एंड कॉलेजेस अपडेट्स आपको देती रहूँगी। आप मुझे बस कमेंट कीजिएगा एंड उस कमेंट के आधार पे हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको आंसर आउट कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, जेईई मेंस की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आ गया है और आपके सामने ही है, बस कुछ दिन बचे हुए हैं। रिवीजन अपनी बिल्कुल सुबह से शाम बिल्कुल लग जाइए रिवीजन करने में, और टाइम से उठिए, टाइम से सोइए। All the very best and see you soon, guys.